नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताजा तरीन सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। आंध्र प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र हुआ जारी, नव निर्वाचित विधायकों ने आज ली शपथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से मिला बड़ा झटका, कोर्ट ने अगली सुनवाई तक उनकी जमानत पर लगा दी रोक। ईडी ने केजरीवाल की जमानत को दिल्ली हाईकोर्ट में दी चुनौती। देश भर में मनाया गया इंटरनेशनल योग दिवस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर योग दिवस का कार्यक्रम में हुए शामिल, किया योगा। एक बार फिर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 21 और 22 जून को करेंगी भारत का दौरा, पीएम मोदी के साथ करेंगी द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा। यूपी के 30 जिलों में आंधी बारिश, 6 की हुई मौत, इसके अलावा 50 जिलों में प्री मानसून अलर्ट जारी। तमिलनाडु में जहरीली शराब से हुई 47 लोगों की मौत पर हुआ बवाल, विधानसभा के अंदर और बाहर हुआ हंगामा, भारी पुलिस बल किया गया तैनात। बात करें शेयर बाजार की तो ऑल टाइम हाई बनाने के बाद 50 अंक गिरा निफ्टी, ये 23,500 पर कारोबार कर रहा, सेंसेक्स भी 300 अंक नीचे आया। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा को भंग करने की मांग की है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर विधानसभा को भंग करते हुए चुनाव करवाने की मांग कर दी है। दरअसल उन्होंने कहा कि सरकार बहुमत से दूर है, सीएम के जीतने के बाद भी आंकड़े नहीं बदले हैं। आपको ये भी बता दें कि बहुमत के आंकड़ों से दूर नायब सिंह सैनी सरकार को बर्खास्त करने और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों के एक दल ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मौजूदा सरकार के पास बहुमत नहीं है, सदन में बहुमत पाने के लिए सरकार खरीद फरोख्त व अन्य असंवैधानिक तरीकों का इस्तेमाल कर सकती है, इससे राज्य की बदनामी हो सकती है, इसीलिए अल्पमत में आई सरकार को तुरंत बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए और नए सिरे से चुनाव करवाए जाए। बताते चले कि कांग्रेस ने 10 मई को भी राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हिसार में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम सैनी ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर योग किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा, मंत्री कमल गुप्ता भी मौजूद रहे। वहीं सीएम नायब सैनी ने कहा कि योग के साथ आज 200 से ज्यादा देश जुड़े हैं, योग पार्ट ऑफ लाइफ नहीं बल्कि वे ऑफ लाइफ है, जिससे हम खुशहाल होते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 2014 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का मौका पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया है और तब से 1121 व्यायामशालाएं खोली गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में 100 और संस्थाओं पर 60 दिनों के अंदर व्यायामशालाएं खोली जाएंगी और ये भी कहा कि योग सहायकों को डाइटिशियन का परीक्षण दिया जाएगा ताकि वे मरीजों की इस दिशा में सहायता कर सके और हरियाणा को स्वास्थ्य की दृष्टि से फायदा दे सके। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हिसार में आकर लेने वाले प्रदेश के पहले महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से अगस्त से हवाई जहाज उड़ान भरने लगेंगे और पहली उड़ान भगवान श्री राम के धाम अयोध्या के लिए होगी। दरअसल चंडीगढ़, जयपुर, जम्मू और अहमदाबाद सहित अन्य क्षेत्रों के लिए भी इस टर्मिनल से उड़ानों की सुविधाएं मिलनी शुरू कर दी जाएंगी, जिसका प्रारंभिक तौर पर किराया 2,000 से 3,000 रुपये प्रति व्यक्ति टिकट हो सकता है। वहीं तीसरे चरण में ये हवाई अड्डा पूरी दुनिया में जुड़ेगा। इनके बनने से हिसार के विकास की राह पर रफ्तार भरेगा। हिसार में हवाई अड्डे के रनवे सहित 9 परियोजनाओं के उद्घाटन शिलान्यास समारोह में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उड़ान योजना के तहत हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में यात्रा कर सकेगा। वहीं इस एयरपोर्ट पर विकास कार्यों की शुरुआत से ये कार्य पूरा होने जा रहा है। आने वाले वर्षों में हिसार एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का लक्ष्य है। हरियाणा का इकलौता भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल इस बार मामला पिछड़ा वर्ग के 11 विद्यार्थियों को बाहर निकालने का है।
आपको बता दें कि नए सत्र में देश के विभिन्न राज्यों से विद्यार्थी IIM पहुंचे थे, जहां मेरिट सूची में नाम दर्ज कराने वाले विद्यार्थियों ने फीस तक जमा करा दी थी। वहीं इन्हें हॉस्टल भी अलॉट कर दिया गया था, लेकिन वहीं इसके कुछ घंटों बाद ही संस्थान के प्रबंधन ने OBC वर्ग के 11 विद्यार्थियों को तुरंत हॉस्टल खाली करके घर जाने के आदेश दे दिए। वहीं प्रबंधन ने इस विद्यार्थी के प्रवेश रद्द कराने की वजह परिवार की आय 8 लाख रुपए सालाना से अधिक बताई, जहां बताया गया कि क्रीमी लेयर के अंतर्गत परिवार के आय 8 लाख रुपए सालाना से अधिक होने की बात कहकर उनका प्रवेश रद्द कर दिया गया है, जबकि वे नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। वहीं अभिभावकों ने प्रबंधन से बात करने का काफी प्रयास किया, लेकिन देर रात तक ना तो किसी ने बात की और ना ही उनकी कोई सुनवाई की गई। हरियाणा में समय से दस्तक देगा मानसून। मौसम विभाग के अनुसार इस बार सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। आपको बता दें कि पिछले साल दक्षिण पश्चिम मानसून में हरियाणा में 421.5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई थी, जो कि सामान्य वर्षा से 2% कम रही थी। इसमें सबसे कम वर्षा फतेहाबाद, हिसार और जिंद में हुई थी। वहीं सबसे अधिक वर्षा कुरुक्षेत्र में हुई थी। वहीं आपको बता दें कि दक्षिण पश्चिम मानसून के इस बार हरियाणा में समय से आने की संभावना है। ऐसा इसलिए क्योंकि मानसून का पैटर्न अभी तक अपने समय से चल रहा है। हरियाणा में मानसून की बारिश 3 जुलाई तक आ सकती है। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव बंगाल की खाड़ी से आई मानसूनी हवा के कारण प्रदेश के कुछ क्षेत्रों के मौसम में परिवर्तन आया है और कई जगह बारिश हुई है। वहीं 22 जून के बाद से 26 जून तक मौसम खुश्क रहने की संभावना है, जिससे तापमान में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। इसके बाद से फिर मानसून हवा का प्रभाव बढ़ेगा और मौसम में परिवर्तन आएगा। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।